फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनवाइट करने के लिए। जब सिद्धि का इनविटेशन आया, आपका इनविटेशन आया, तो एक्चुअली मैं देख रहा था कि जो जो बाकी और गेस्ट यहाँ पे हैं जिनको आपने इनवाइट किया है, ये डांस गुरु हैं, ये मिस्टेक गुरु हैं, एक लेखक थी, तो मैं सोच रहा था मैं तो आउट ऑफ सिलेबस हूँ, क्योंकि ना मुझे डांस के बारे में कुछ पता है, ना मुझे लिटरेचर का एल आता है, ना मुझे कुछ पावर है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे हूँ क्यों। तो इन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आपको वैसे ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको इनके बारे में और बुक के बारे में कुछ बताना है। तो जब इनके बारे में बात करने लगा, सोचने लगा मैं, तो मुझे लगा रेखा देसाई के बारे में बताना किसी भी सागर को गागर में भरने से कम नहीं है। और जितना वक्त सिद्धि ने दिया है, उतने वक्त में शायद मैं सागर को गागर में तो भर सकता हूँ, लेकिन रेखा देसाई का व्यक्तित्व का चित्रण और जीवन का वर्णन शायद मैं नहीं कर सकता। तो समय बेसिकली बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो भी मैं जितना भी जानता हूँ उनके बारे में, जितना समझा है और जितनी मेरी इनसे बातचीत हुई है, उसकी उस आधार पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। डेफिनेटली मुझे आपसे, मैं बहुत ज़्यादा तो मेरा पुराना परिचय नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपका फाइनेंशियल डॉक्टर हूँ, यस, इसीलिए कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम में एक ऐसी भी होती है कि जितनी आप बात कहते हैं उतनी तो हम समझते ही हैं, लेकिन जितनी आप बात नहीं कहते हैं शायद वो भी हम समझ लेते हैं। सो उस आधार पर मैं डेफिनेटली कुछ आपसे बात आज बताऊंगा। इनके अंदर ही बात कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद इन्होंने अपनी बुक में भी नहीं लिखी होगी और शायद किसी ने कही भी नहीं होगी। सो डेफिनेटली जब हम बात करते हैं किसी के संघर्ष की, जैसे इन्होंने कहा कि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया है, डेफिनेटली उतार चढ़ाव आया होगा, क्योंकि रेखा देसाई एक ऐसी शख्सियत है मुझे लगी जिन्होंने अपना लक्ष्य खुद तय किया, और जब लक्ष्य तय किया तो मंजिल भी खुद ही तय की, और उस मंजिल के लिए रास्ता भी खुद ही बनाया, खुद ही चली, जितने भी उतार चढ़ाव आए वो हर मुश्किल को पार करते हुए चलती गई और सफलता पे सफलता हासिल करती गई। सफलता हर एक के लिए इतना आसान नहीं होता, और हर लोग सफलता से खुश भी नहीं होते हैं। जब सफलता आती है तो तकलीफ भी होती है, किसी के लिए भी हो, और जब सफलता किसी एक औरत को मिलती है तो थोड़ी और ज़्यादा तकलीफ होती है। और सफलता एक औरत को अपने बलबूते पर मिलती है, किसी के सहारे के बिना मिलती है, अपनी हिम्मत पर मिलती है, अपनी काबिल पर मिलती है, तो और भी ज़्यादा तकलीफ होती है। ये बहुत हकीकत है, हमारा समाज शायद उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि कोई भी औरत ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन आपने वो किया। जीवन का नाम है, क्योंकि जब किसी भी सफलता मिलती है तो तकलीफ आती है, आपको अच्छे शब्द मिलते हैं तो कटाक्ष भी मिलती है, लोग आपके बारे में और भी कुछ बातें करते हैं, क्योंकि सब खुश नहीं होते हैं। जब भी हम कहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आता है, कि जब अपने भी अपनों के बारे में अगर कुछ कटाक्ष करते हैं या तकलीफ देते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उन्हीं सब तकलीफों से आप आगे बढ़ी हो, ये बहुत बड़ी बात है, और जिस मुकाम पर आप पहुंची हो, आई थिंक उस मुकाम पे पहुंचना हर एक बस की बात नहीं है। जिस सफलता की हम बात कर रहे थे कि सफलता क्यों, तो थोड़ा मैं भी रिसर्च कर रहा था कि इतनी सफलता क्यों मिली आपको, क्यों, कैसे, क्योंकि आपके इतने स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, कोई स्टूडेंट फर्स्ट आता है, कोई सेकेंड आता है, यानी जो फर्स्ट और सेकेंड स्टूडेंट आता है उसमें एक्स्ट्रा होती है, समथिंग एक्स्ट्रा इन दैट, तो आप में ऐसा एक्स्ट्रा क्या है। मैं सोच रहा था, फिर आपका मैंने एक इंटरव्यू सुना, उसमें मुझे कुछ बातें सुनाई दी, और एक बातें आपने भी यहाँ पे आज रिपीट की कि शिवा आपके बॉयफ्रेंड हैं एंड यू डांस फॉर कृष्णा, तब मुझे आपका राज का, आपके राज समझ में आ गया, जिसके पास शिव की शक्ति और कृष्ण की भक्ति हो उसे कौन हरा सकता है। तो सफलता तो आपको मिलनी है, जब ये दो चीज आपके पास है तो आपको कौन पीछे हरा सकता है। यहाँ पे कुछ बातें चल रही थी आपकी उम्र के बारे में, बचपन, तो एक बात मैं आज कन्फेस करता हूँ सबके सामने, यही स्टेज था 22 दिसंबर की बात है, पिछले साल मैं रेखा देसाई को थोड़े अरसे से जानता हूँ, ये लाइन्स क्लब में हमारी आती जाती रहती थी, तो मुझे हमेशा लगा ये अपने लेट 30s वगैरह में होंगी, 30, 35, 40s में होंगी,
तो हमारे कलीग ने इनसे पूछा कि आपकी डॉटर किधर है, तो पहला शॉक मुझे वहां पे लगा, क्योंकि तब तक मुझे लग रहा था कि शादी नहीं हुई इनकी। तो पहला शॉक तो मुझे वहां पे लगा। दूसरा शॉक मुझे तब लगा जब सिद्धि वहां से आई, तो ज्यादा शौक लगा। और तीसरा शौक उसके बाद लगा जब उन्होंने यूके से मिलवाया कि बोला अभी इनकी शादी होने वाली है। तो अभी जो एक सवाल आ रहा था ना आपका उम्र के बारे में कि भाई इनके क्या इनकी है, तो डेफिनेटली मुझे लगता नहीं कि अगर जो कोई इनको जानता नहीं है पुराने अरसे से तो वो अंदाजा लगा पाएंगे, क्योंकि धोखा डेफिनेटली मैंने खाया और मैं कन्फेस करता हूँ। डांस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपने बता दिया, लेकिन इसके साथ साथ में अपने अपने परिवार को जो संभाला है, आई थिंक इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि जिस ढंग से डांस के साथ साथ में अपने अपने परिवार को भी संभाला है। और सबसे बड़ा उदाहरण है सिद्धि, सिद्धि जो आज इस मुकाम पर है आपकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और एक बात कहूँगा, आपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि सिद्धि आपकी सोल है, आपकी हार्ट है, लेकिन थोड़ा मैं डिफर करता हूँ, जितना मैंने समझा आपकी बातों से, सिद्धि आपकी हार्ट नहीं है, वो आपकी हार्ट बीट है। शी इज बेसिकली योर हार्ट बीट, क्योंकि अगर जिस दिन, क्योंकि जितनी बार भी हमने बातें की हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने सिद्धि के बारे में बात नहीं की हो या सिद्धि के बारे में नहीं सोचा हो। सो शी इज ऑलवेज देयर इन यू विद यू एंड डेफिनेटली शी इज गोइंग टू टेक अहेड विद एवरीथिंग। बहुत सी बातें करनी थी, लेकिन शायद मेरा लगता है मेरा अभी मुझे सिद्धि का वहां पे इशारा हो रहा है धीरे धीरे कि मैं अपनी बात खत्म करूं। सिर्फ आपके लिए इतना कहना चाहूंगा जाते जाते, दो बातें कहूंगा। एक तो आपको बहुत बहुत बधाई इस बुक लॉन्च के लिए, और जो आपने बुक लॉन्च कर रही हैं, ऐसी बहुत सारी बुक आप लिखें और इंस्पिरेशन दें लोगों को। और एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि जनरली जब हम ऐसे फंक्शंस में जाते हैं, ओकेजन में जाते हैं, तो हमें एक बुक दी जाती है जो ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू बाय द फर्स्ट कॉपी ऑफ योर बुक। और वी विल बैक टू फर्स्ट कॉपी, लेकिन उसमें एक आपको एडिशन करना है प्लीज। इस बुक की जो आपने कीमत लिखी है वो ठीक है, लेकिन इस बुक को प्राइसलेस बनाना है विद योर सिग्नेचर। सो आई वुड लाइक टू हैव योर ऑटोग्राफ ऑन दिस बुक एंड आई वुड लाइक टू बाय द फर्स्ट कॉपी ऑफ द बुक। अब सिर्फ लास्ट में आपके लिए और आपकी जिंदगी एक कहूंगा, क्योंकि आपने इतना मंजिल तय की है, तो कंधे अपने आप मिलेंगे, कंधे बहुत मिलेंगे, मंजिलें अपने आप खुलेगी। सबसे कह दो रुक जाओ, ठहर जाओ, हम तो तूफान है, हम अपनी मंजिल खुद बनाएंगे। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड मेकिंग पार्ट ऑफ दिस इवेंट। थैंक यू वेरी मच।